अरे गाइस बहुत देरी से ट्रेन खड़ा है, हम लोग पहुंचे कौन सा स्टेशन है हम लोग को भी नहीं पता, क्योंकि बहुत देरी से हम लोग खड़े हैं। स्टेशन में भीड़ देख सकते हो भाई साहब, भीड़ भी है, स्टेशन भी खड़ा है भाई। ट्रेन हम लोग को पहुंचने का था 4 बजे, बट अभी ट्रेन 4 घंटा लेट चल रहा है। आई थिंक कब तक पहुँचेंगे ये तो नहीं पता, बट स्टे बने रहिए। अभी सुबह का 7:30 हो रहा है, देखते कितना दूर क्या बनता है, नहीं बनता स्टेटस कैसा रहता है। हम लोग का प्लान था भाई कि शाम में उधर के गंगा आरती का हरिद्वार, वो तो पहले से हमको तो नहीं लगता कि मिलेगा। और भाई देख रहे बहुत देर से, पिछले आधे घंटे से पौना घंटा से खड़ा है ट्रेन। सिस्टम हैंग भाई, सिस्टम हैंग, इतना भीड़ है ना भाई, अभी तक ट्रेन खुला नहीं, बोर बोर हमको लग ही रहा है, सब यहाँ पर खड़ा है भाई। आगे गोरखपुर का भी हम लोग को लोकेशन नहीं, आगे ट्रेन जाएगा आगे गोरखपुर, उधर भी ट्रेन रुकी भाई, ट्रेन में पानी नहीं। देख रहे भाई कितना गर्दिश में सिटा रहे हैं भाई सब भाई, इधर सब जितना ट्रेन का यात्री है भाई, अधिकतर लोग तो केदारनाथ जाने वाले हैं बाबा के दर्द से। हमको तो नहीं लग रहा भाई, आधा से हम इधर ही कर जाएंगे, हमको जहाँ तक लग रहा है पता नहीं उसको क्या कैसा होता है, मेरे बने रही लाइन स्कूटर। और भाई एक बार आपको लेट में सी चेक कराते हैं, ये भाई साहब देख रहे हो ना आप कितना कॉन्टेंट है, ये सिचुएशन आउट ऑफ द हैंडल है भाई। और भाई अभी ट्रेन रुका हुआ देख रहे हो आप लोग पीछे, इधर भाई देख रहे हो भाई, भाई साहब इतना परिश्रम करने के बाद चाय मिला, वो भी ठंडा चाय, चाय कम पानी ज़्यादा, कहाँ कर सकते भाई, रेलवे है कुछ तो कुछ लगेगा ही पीने के लिए। बिना चाय का तो भाई सुबह का शुरुआत नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग चाय के साथ। अभी इधर रुका, अभी गोरखपुर भी रुके, कुछ नहीं करता हमारे भाई, ये ब्लॉग करते हैं ताकि इनका चैनल नहीं है, हमारा चैनल आ रहा है, चलो चैनल आगे दी, मैग दी जा रही है आगे चाय पीते पीते, चाय पीने के लिए 5 मिनट ट्रैवल करके आई है। भाई साहब बंदर का देखो तो भाई, देखो